दाग हिंदी बॉलीवुड फिल्म के फैक्टो रिव्यूज हिंदी में। दाग 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन यश चोपड़ा ने एक निर्माता के रूप में किया है, जिसने यश राज फिल्म की नींव रखी है। यह 1886 की थॉमस हार्डी उपन्यास द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का रूपांतरण है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है यश चोपड़ा। यह फिल्म गुलशन नंदा और अख्तर उल ईमान द्वारा लिखित है। यह फिल्म थॉमस हार्डी द्वारा कैस्टरब्रिज के मेयर पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता यश चोपड़ा हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी ने। इस फिल्म का छायांकन केजी ने किया है। यह फिल्म प्राण मेहरा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म यशराज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 27 अप्रैल 1973 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 146 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 6.5 करोड़ रहा है। फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, मदनपुरी, कादर खान, यश चोपड़ा और एके हेंगल जैसे सितारे हैं। यह फिल्म राजेश खन्ना की दीवानगी के चरम पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और तीनों लीडों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत वर्ष के चार्ट पर हावी रहा। फिल्म को बाद में तेलुगु फिल्म विचित्र जीवितम में बनाया गया था। यह फिल्म कादर खान की बतौर अभिनेता पहली फिल्म थी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म में राखी के चरित्र नाम चांदनी का इस्तेमाल अपनी बाद की फिल्मों सिलसिला 1981 और चांदनी 1989 में भी किया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक युवक सुनील कोहनी, राजेश खन्ना, सुंदर सोनिया, शर्मिला टैगोर के प्यार में पड़ जाता है। जल्द ही वे शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में खराब मौसम के कारण वे सुनील के मालिक के स्वामित्व वाले बंगले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। बॉस का बेटा धीरज कपूर सोनिया के अकेले होने पर बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन सुनील समय पर पहुंच जाता और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप धीरज की मौत हो जाती है। सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, लेकिन जेल के रास्ते में उसे ले जा रही पुलिस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। सभी रहने वाले मारे जाते हैं। सालों बाद सोनिया की स्कूल शिक्षक के रूप में काम कर रही है और सुनील और उसके बेटे की परवरिश कर रही है। उसे पता चला कि उसका पति अभी भी जीवित है। वह सुधीर के रूप में एक नई पहचान के साथ जी रहा है और उसकी शादी चांदनी नाम की एक अमीर लड़की से हुई है। पुलिस वैन के भागने के बाद सुनील चांदनी से मिला, जिसके प्रेमी ने उसे गर्भवती होने की खबर पर छोड़ दिया था। सुनील ने अपनी नई पहचान स्थापित करने में उसकी मदद के बदले में उसके बच्चे को वैधता प्रदान करने के लिए उससे शादी की। अब इतने सालों के बाद एक बार फिर कानून उनके दरवाजे पर है। हालांकि इस बार उनके नाम के साथ एक अतिरिक्त अपराध है, द्विविवाह। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। राजेश खन्ना, जिन्होंने सुनील कोहली और सुधीर का किरदार निभाया है। शर्मिला टैगोर, सोनिया कोहली, राखी, चांदनी, प्रेम चोपड़ा, धीरज कपूर, बेबी पिंकी पिंकी के रूप में, राजू श्रेष्ठ मास्टर जी, जिन्होंने रिंकू का किरदार निभाया है, मनमोहन कृष्ण दीवान चांदनी के पिता के रूप में, मदनपुरी केशी खन्ना आंचला ससे श्रीमती मालती खन्ना, इफ्तिखार इंस्पेक्टर सिंह, हरी शिव दसानी जगदीश कपूर के किरदार में, यशोधरा काटजू स्कूल प्रिंसिपल के किरदार में, कादर खान अभियोजन पक्ष के वकील के किरदार में, एके हेंगल अभियोजन पक्ष के वकील और न्यायाधीश के रूप में, एसएन बनर्जी जज के रूप में, करण दीवान डॉक्टर कपूर जो चांदनी के पिता का इलाज करते हैं, सुरेंद्र सुनील के चाचा के रूप में, जगदीश राज राम सिंह ड्राइवर के रूप में, मनमोहन वैन में कैदी सुनील के साथ लड़ाई करने के रूप में, पद्मा खन्ना नृत्य की
अरुणा नृत्य की और हबीब लोहार सुनील की हथकड़ी हटा रहा है। साउल जोसेफ जूनियर कलाकार के रूप में। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की टीम के विषय में। इस फिल्म में डायरेक्टर हैं यश चोपड़ा और यह कहानी गुलशन नंद की है। इस फिल्म में संवाद किया है अख्तर उलीमान ने और इसके निर्माता हैं यश चोपड़ा। इस फिल्म में संपादक किया है प्राण मेहरा ने और इसका कला निर्देशक आर जी गायकवाड़ी ने किया है। इस फिल्म में छायाकार के गीस ने किया है और स्टंट रवि खन्ना एम बी सेट्टी के हैं। इस फिल्म की कोरियोग्राफी सुरेश भट्ट ने की है और इस फिल्म के गीत का साहिल लुधियानाविक है। इस फिल्म का संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया है और इसके पार्श्व गायक किशोर कुमार लता मंगेशकर राजेश खन्ना हैं। इस चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। साउंड ट्रैक के निम्नलिखित ट्रैक शामिल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित और शाहिल लुधियानवी के गीतों के साथ हैं। बिना काकी गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में अब चाहे माँ रूठे या बाबा गीत को 7 पर सूचीबद्ध किया गया था। गीत मेरे दिल में आज क्या है को बिना का गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में 20वीं पर सूचीबद्ध किया गया था। दाग प्यार की एक कविता साउंडट्रैक एल्बम द्वारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जिसको मुक्त किया है 1973 में भारत में, जिसकी सैली फिल्म साउंडट्रैक है और लेबल सारे गामा पा है। निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक गायक और अवधि के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मेरे दिल में आज क्या है जिसके गायक हैं किशोर कुमार और जिसकी अवधि 4 मिनट 19 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है अब चाहे मां रूठे या बाबा जिसको गाया है किशोर कुमार लता मंगेशकरी ने और जिसकी अवधि 5 मिनट 36 सेकंड है। इस फिल्म का तीसरा गीत है हम और तुम और हम किशोर कुमार द्वारा गाया गया और लता मंगेशकरी द्वारा गाया गया गीत है जिसकी अवधि 4 मिनट 7 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है जब भी जी चाहे जिसको गाया है लता मंगेशकरी ने और जिसकी अवधि 4 मिनट 19 सेकंड है। इस फिल्म का पाँचवा गीत है मैं तो कुछ भी नहीं जिसको राजेश खन्ना ने गाया है और जिसकी अवधि 2 मिनट 28 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है नी मैं यार मनाना नी जिसके गायक हैं लता मंगेशकर मीनू पुरुषोत्तम जिसकी अवधि 4 मिनट 48 सेकंड है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है हवा चले कैसे जिसको लता मंगेशकरी द्वारा गाया गया है और इस गीत की अवधि 5 मिनट 46 सेकंड है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कार व नामांकन के विषय में। इस फिल्म को 21वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यश चोपड़ा और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी हैं। इस फिल्म को मनोनीत किया सर्वश्रेष्ठ फिल्म यश चोपड़ा ने और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजेश खन्ना ने। इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। दाग हिंदी बॉलीवुड फिल्म के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। दाग 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन यश चोपड़ा ने एक निर्माता के रूप में किया है जिसने यश राज फिल्म की नींव रखी है। यह 1886 की थॉमस हार्डी उपन्यास द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का रूपांतरण है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है यश चोपड़ा। यह फिल्म गुलशन नंदा और अख्तर उल ईमान द्वारा लिखित है। यह फिल्म थॉमस हार्डी द्वारा कैस्टरब्रिज के मेयर पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता यश चोपड़ा हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर और राखी ने। इस फिल्म का छायाकार केजी ने किया है। यह फिल्म प्राण मेहरा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म यशराज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 27 अप्रैल 1973 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 146 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 6.5 करोड़ रहा है।
फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, मदनपुरी, कादर खान, यश चोपड़ा और ए के हेंगल जैसे सितारे हैं। यह फिल्म राजेश खन्ना की दीवानगी के चरम पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और तीनों लीडों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत वर्ष के चार्ट पर हावी रहा। फिल्म को बाद में तेलुगु फिल्म विचित्र जीवितम में बनाया गया था। यह फिल्म कादर खान की बतौर अभिनेता पहली फिल्म थी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म में राखी के चरित्र नाम चांदनी का इस्तेमाल अपनी बाद की फिल्मों सिलसिला 1981 और चांदनी 1989 में भी किया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक युवक सुनील कोहनी, राजेश खन्ना, सुंदर सोनिया, शर्मिला टैगोर के प्यार में पड़ जाता है। जल्द ही वे शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में खराब मौसम के कारण वे सुनील के मालिक के स्वामित्व वाले बंगले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। बॉस का बेटा धीरज कपूर सोनिया के अकेले होने पर बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन सुनील समय पर पहुंच जाता और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप धीरज की मौत हो जाती है। सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, लेकिन जेल के रास्ते में उसे ले जा रही पुलिस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। सभी रहने वाले मारे जाते हैं। सालों बाद सोनिया की स्कूल शिक्षक के रूप में काम कर रही है और सुनील और उसके बेटे की परवरिश कर रही है। उसे पता चला कि उसका पति अभी भी जीवित है। वह सुधीर के रूप में एक नई पहचान के साथ जी रहा है और उसकी शादी चांदनी नाम की एक अमीर लड़की से हुई है। पुलिस वैन के भागने के बाद सुनील चांदनी से मिला, जिसके प्रेमी ने उसे गर्भवती होने की खबर पर छोड़ दिया था। सुनील ने अपनी नई पहचान स्थापित करने में उसकी मदद के बदले में उसके बच्चे को वैधता प्रदान करने के लिए उससे शादी की। अब इतने सालों के बाद एक बार फिर कानून उनके दरवाजे पर है। हालांकि इस बार उनके नाम के साथ एक अतिरिक्त अपराध है, द्विविवाह। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। राजेश खन्ना, जिन्होंने सुनील कोहली और सुधीर का किरदार निभाया है। शर्मिला टैगोर, सोनिया कोहली, राखी, चांदनी, प्रेम चोपड़ा, धीरज कपूर, बेबी पिंकी, पिंकी के रूप में राजू श्रेष्ठ मास्टर जी, जिन्होंने रिंकू का किरदार निभाया है। मनमोहन कृष्ण दीवान, चांदनी के पिता के रूप में मदनपुरी, केशी खन्ना, आंचला ससे श्रीमती मालती खन्ना, इफ्तिखार इंस्पेक्टर सिंह, हरी शिव दसानी, जगदीश कपूर के किरदार में यशोधरा काटजू, स्कूल प्रिंसिपल के किरदार में कादर खान, अभियोजन पक्ष के वकील के किरदार में ए के हेंगल, अभियोजन पक्ष के वकील और न्यायाधीश के रूप में एस एन बनर्जी, जज के रूप में करण दीवान, डॉक्टर कपूर जो चांदनी के पिता का इलाज करते हैं, सुरेंद्र सुनील के चाचा के रूप में जगदीश राज, राम सिंह ड्राइवर के रूप में मनमोहन, वैन में कैदी सुनील के साथ लड़ाई करने के रूप में पद्मा खन्ना, नृत्य की अरुणा, नृत्य की और हबीब लोहार, सुनील की हथकड़ी हटा रहा है साउल जोज, जूनियर कलाकार के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की टीम के विषय में। इस फिल्म में डायरेक्टर हैं यश चोपड़ा और यह कहानी गुलशन नंद की है। इस फिल्म में संवाद किया है अख्तर उलीमान ने और इसके निर्माता हैं यश चोपड़ा। इस फिल्म में संपादक किया है प्राण मेहरा ने और इसका कला निर्देशक आर जी गायकवाड़ी ने किया है। इस फिल्म में छायाकार के गीस ने किया है और स्टंट रवि खन्ना एम बी सेट्टी के हैं। इस फिल्म की कोरियोग्राफी सुरेश भट्ट ने की है और इस फिल्म के गीत का साहिल लुधियानाविक है। इस फिल्म का संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया है और इसके पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, राजेश खन्ना हैं। इस चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। साउंड ट्रैक के निम्नलिखित ट्रैक शामिल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित और शाहिल लुधियानवी के गीतों के साथ हैं। बिना का की गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में अब चाहे माँ रूठे या बाबा गीत को 7 पर सूचीबद्ध किया गया था। गीत मेरे दिल में आज क्या है को बिना का गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में 20वीं पर सूचीबद्ध किया गया था।
दाग प्यार की एक कविता साउंडट्रैक एल्बम द्वारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिसको मुक्त किया है 1973 में भारत में, जिसकी सैली फिल्म साउंडट्रैक है और लेबल सारे गामा पा है। निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक गायक और अवधि के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मेरे दिल में आज क्या है, जिसके गायक हैं किशोर कुमार और जिसकी अवधि 4 मिनट 19 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है अब चाहे मार उठे या बाबा, जिसको गाया है किशोर कुमार लता मंगेशकरी ने और जिसकी अवधि 5 मिनट 36 सेकंड है। इस फिल्म का तीसरा गीत है हम और तुम और हम, किशोर कुमार द्वारा गाया गया और लता मंगेशकरी द्वारा गाया गया गीत है, जिसकी अवधि 4 मिनट 7 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है जब भी जी चाहे, जिसको गाया है लता मंगेशकरी ने और जिसकी अवधि 4 मिनट 19 सेकंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है मैं तो कुछ भी नहीं, जिसको राजेश खन्ना ने गाया है और जिसकी अवधि 2 मिनट 28 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है नी मैं यार मनाना नी, जिसके गायक हैं लता मंगेशकर मीनू पुरुषोत्तम, जिसकी अवधि 4 मिनट 48 सेकंड है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है हवा चले कैसे, जिसको लता मंगेशकरी द्वारा गाया गया है और इस गीत की अवधि 5 मिनट 46 सेकंड है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कार व नामांकन के विषय में। इस फिल्म को 21वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यश चोपड़ा और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी हैं। इस फिल्म को मनोनीत किया सर्वश्रेष्ठ फिल्म यश चोपड़ा ने और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजेश खन्ना ने। इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। दाग हिंदी बॉलीवुड फिल्म के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। दाग 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन यश चोपड़ा ने एक निर्माता के रूप में किया है, जिसने यश राज फिल्म की नींव रखी है। यह 1886 की थॉमस हार्डी उपन्यास द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का रूपांतरण है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है यश चोपड़ा। यह फिल्म गुलशन नंदा और अख्तर उल ईमान द्वारा लिखित है। यह फिल्म थॉमस हार्डी द्वारा कैस्टरब्रिज के मेयर पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता यश चोपड़ा हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी ने। इस फिल्म का छायांकन केजी ने किया है। यह फिल्म प्राण मेहरा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म यशराज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 27 अप्रैल 1973 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 140 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 6.5 करोड़ रहा है। फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, मदनपुरी, कादर खान, यश चोपड़ा और ए के हेंगल जैसे सितारे हैं। यह फिल्म राजेश खन्ना की दीवानगी के चरम पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और तीनों लीडों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत वर्ष के चार्ट पर हावी रहा। फिल्म को बाद में तेलुगु फिल्म विचित्र जीवितम में बनाया गया था। यह फिल्म कादर खान की बतौर अभिनेता पहली फिल्म थी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म में राखी के चरित्र नाम चांदनी का इस्तेमाल अपनी बाद की फिल्मों सिलसिला 1981 और चांदनी 1989 में भी किया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक युवक सुनील कोहनी, राजेश खन्ना, सुंदर सोनिया, शर्मिला टैगोर के प्यार में पड़ जाता है। जल्द ही वे शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में खराब मौसम के कारण वे सुनील के मालिक के स्वामित्व वाले बंगले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। बॉस का बेटा धीरज कपूर सोनिया के अकेले होने पर बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन सुनील समय पर पहुंच जाता और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप धीरज की मौत हो जाती है। सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, लेकिन जेल के रास्ते में उसे ले जा रही पुलिस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। सभी रहने वाले मारे जाते हैं। सालों बाद सोनिया की स्कूल शिक्षक के रूप में काम कर रही है
और सुनील और उसके बेटे की परवरिश कर रही है। उसे पता चला कि उसका पति अभी भी जीवित है। वह सुधीर के रूप में एक नई पहचान के साथ जी रहा है और उसकी चांदनी शादी चांदनी नाम की एक अमीर लड़की से हुई है। पुलिस वैन के भागने के बाद सुनील चांदनी से मिला, जिसके प्रेमी ने उसे गर्भवती होने की खबर पर छोड़ दिया था। सुनील ने अपनी नई पहचान स्थापित करने में उसकी मदद के बदले में उसके बच्चे को वैधता प्रदान करने के लिए उससे शादी की। अब इतने सालों के बाद एक बार फिर कानून उनके दरवाजे पर है। हालांकि इस बार उनके नाम के साथ एक अतिरिक्त अपराध है, द्विविवाह। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। राजेश खन्ना, जिन्होंने सुनील कोहली और सुधीर का किरदार निभाया है, शर्मिला टैगोर, सोनिया कोहली, राखी चांदनी, प्रेम चोपड़ा, धीरज कपूर, बेबी पिंकी पिंकी के रूप में, राजू श्रेष्ठ मास्टर जी, जिन्होंने रिंकू का किरदार निभाया है, मनमोहन कृष्ण दीवान चांदनी के पिता के रूप में, मदनपुरी केशी खन्ना, आंचला ससे श्रीमती मालती खन्ना, इफ्तिखार इंस्पेक्टर सिंह, हरी शिव दसानी जगदीश कपूर के किरदार में, यशोधरा काटजू स्कूल प्रिंसिपल के किरदार में, कादर खान अभियोजन पक्ष के वकील के किरदार में, एके हैंगल अभियोजन पक्ष के वकील और न्यायाधीश के रूप में, एस एन बैनर्जी जज के रूप में, करण दीवान डॉक्टर कपूर जो चांदनी के पिता का इलाज करते हैं, सुरेंद्र सुनील के चाचा के रूप में, जगदीश राज राम सिंह ड्राइवर के रूप में, मनमोहन वैन में कैदी सुनील के साथ लड़ाई करने के रूप में, पद्मा खन्ना नृत्यकी, अरुणा नृत्यकी और हबीब लोहार सुनील की हथकड़ी हटा रहा है, साउल जोज जूनियर कलाकार के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की टीम के विषय में। इस फिल्म में डायरेक्टर हैं यश चोपड़ा और यह कहानी गुलशन नंद की है। इस फिल्म में संवाद किया है अख्तर उलीमान ने और इसके निर्माता हैं यश चोपड़ा। इस फिल्म में संपादक किया है प्राण मेहरा ने और इसका कला निर्देशक आर जी गायकवाड़ी ने किया है। इस फिल्म में छायाकार के गीस ने किया है और स्टंट रवि खन्ना एम बी सेट्टी के हैं। इस फिल्म की कोरियोग्राफी सुरेश भट्ट ने की है और इस फिल्म के गीत का साहिल लुधियानाविक है। इस फिल्म का संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया है और इसके पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, राजेश खन्ना हैं। इस फिल्म, चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। साउंड ट्रैक के निम्नलिखित ट्रैक शामिल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित और शाही लुधियानवी के गीतों के साथ हैं। बिना काकी गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में अब चाहे माँ रूठे या बाबा गीत को 7 पर सूचीबद्ध किया गया था। गीत मेरे दिल में आज क्या है को बिना का गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में 20वीं पर सूचीबद्ध किया गया था। दाग प्यार की एक कविता साउंडट्रैक एल्बम द्वारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिसको मुक्त किया है 1973 में भारत में, जिसकी सैली फिल्म साउंडट्रैक है और लेबल सारे गामा पा है। निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक गायक और अवधि के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मेरे दिल में आज क्या है, जिसके गायक हैं किशोर कुमार और जिसकी अवधि 4:19 है। इस फिल्म का दूसरा गीत है अब चाहे मार उठे या बाबा, जिसको गाया है किशोर कुमार, लता मंगेशकरी ने और जिसकी अवधि 5:36 है। इस फिल्म का तीसरा गीत है हम और तुम और हम, किशोर कुमार द्वारा गाया गया और लता मंगेशकरी द्वारा गाया गया गीत है, जिसकी अवधि 4:07 है। इस फिल्म का चौथा गीत है जब भी जी चाहे, जिसको गाया है लता मंगेशकरी ने और जिसकी अवधि 4:19 है। इस फिल्म का पांचवा गीत है मैं तो कुछ भी नहीं, जिसको राजेश खन्ना ने गाया है और जिसकी अवधि 2:28 है। इस फिल्म का छठा गीत है नी मैं यार मनाना नी, जिसके गायक हैं लता मंगेशकर, मीनू पुरुषोत्तम, जिसकी अवधि 4:48 है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है हवा चले कैसे, जिसको लता मंगेशकरी द्वारा गाया गया है और इस गीत की अवधि 5:46 है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कार व नामांकन के विषय में। इस फिल्म को 21वां फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मिल यश चोपड़ा और सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री राखी हैं।
इस फिल्म को मनोनीत किया सर्वश्रेष्ठ फिल्म यश चोपड़ा ने और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजेश खन्ना ने। इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। दाग हिंदी बॉलीवुड फिल्म के फैक्टर रिव्यूज़ हिंदी में। दाग 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन यश चोपड़ा ने एक निर्माता के रूप में किया है जिसने यशराज फिल्म की नींव रखी है। यह 1886 की थॉमस हार्डी उपन्यास द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का रूपांतरण है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है यश चोपड़ा। यह फिल्म गुलशन नंदा और अख्तर उल ईमान द्वारा लिखित है। यह फिल्म थॉमस हार्डी द्वारा कैस्टरब्रिज के मेयर पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता यश चोपड़ा हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी ने। इस फिल्म का छायांकन केजी ने किया है। यह फिल्म प्राण मेहरा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म यशराज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 27 अप्रैल 1973 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 140 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 6.5 करोड़ रहा है। फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, मदनपुरी, कादर खान, यश चोपड़ा और एके हेंगल जैसे सितारे हैं। यह फिल्म राजेश खन्ना की दीवानगी के चरम पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और तीनों लीडों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत वर्ष के चार्ट पर हावी रहा। फिल्म को बाद में तेलुगु फिल्म विचित्र जीवितम में बनाया गया था। यह फिल्म कादर खान की बतौर अभिनेता पहली फिल्म थी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म में राखी के चरित्र नाम चांदनी का इस्तेमाल अपनी बाद की फिल्मों सिलसिला 1981 और चांदनी 1989 में भी किया। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक युवक सुनील कोहनी, राजेश खन्ना, सुंदर सोनिया, शर्मिला टैगोर के प्यार में पड़ जाता है। जल्द ही वे शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में खराब मौसम के कारण वे सुनील के मालिक के स्वामित्व वाले बंगले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। बॉस का बेटा धीरज कपूर सोनिया के अकेले होने पर बलात्कार करने की कोशिश करता है लेकिन सुनील समय पर पहुंच जाता और लड़ाई शुरू हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप धीरज की मौत हो जाती है। सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई लेकिन जेल के रास्ते में उसे ले जा रही पुलिस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। सभी रहने वाले मारे जाते हैं। सालों बाद सोनिया की स्कूल शिक्षक के रूप में काम कर रही है और सुनील और उसके बेटे की परवरिश कर रही है। उसे पता चला कि उसका पति अभी भी जीवित है। वह सुधीर के रूप में एक नई पहचान के साथ जी रहा है और उसकी शादी चांदनी नाम की एक अमीर लड़की से हुई है। पुलिस वैन के भागने के बाद सुनील चांदनी से मिला जिसके प्रेमी ने उसे गर्भवती होने की खबर पर छोड़ दिया था। सुनील ने अपनी नई पहचान स्थापित करने में उसकी मदद के बदले में उसके बच्चे को वैधता प्रदान करने के लिए उससे शादी की। अब इतने सालों के बाद एक बार फिर कानून उनके दरवाजे पर है। हालांकि इस बार उनके नाम के साथ एक अतिरिक्त अपराध है, द्विविवाह। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। राजेश खन्ना जिन्होंने सुनील कोहली और सुधीर का किरदार निभाया है, शर्मिला टैगोर, सोनिया कोहली, राखी, चांदनी, प्रेम चोपड़ा, धीरज कपूर, बेबी पिंकी पिंकी के रूप में, राजू श्रेष्ठ मास्टर जी जिन्होंने रिंकू का किरदार निभाया है, मनमोहन कृष्ण दीवान चांदनी के पिता के रूप में, मदनपुरी केशी खन्ना आंचला ससे श्रीमती मालती खन्ना, इफ्तिखार इंस्पेक्टर सिंह, हरी शिव दसानी जगदीश कपूर के किरदार में, यशोधरा काटजू स्कूल प्रिंसिपल के किरदार में, कादर खान अभियोजन पक्ष के वकील के किरदार में, एके हेंगल अभियोजन पक्ष के वकील और न्यायाधीश के रूप में, एसएन बनर्जी जज के रूप में, करण दीवान डॉक्टर कपूर जो चांदनी के पिता का
इलाज करते हैं। सुरेंद्र सुनील के चाचा के रूप में, जगदीश राज राम सिंह ड्राइवर के रूप में, मनमोहन वैन में कैदी सुनील के साथ लड़ाई करने के रूप में, पद्मा खन्ना नृत्य की, अरुणा नृत्य की और हबीब लोहार सुनील की हथकड़ी हटा रहा है। साउल जोजस जूनियर कलाकार के रूप में। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की टीम के विषय में। इस फिल्म में डायरेक्टर हैं यश चोपड़ा और यह कहानी गुलशन नंद की है। इस फिल्म में संवाद किया है अख्तर उलीमान ने और इसके निर्माता हैं यश चोपड़ा। इस फिल्म में संपादक किया है प्राण मेहरा ने और इसका कला निर्देशक आर जी गायकवाड़ी ने किया है। इस फिल्म में छायाकार के गीस ने किया है और स्टंट रवि खन्ना एम बी सेट्टी के हैं। इस फिल्म की कोरियोग्राफी सुरेश भट्ट ने की है और इस फिल्म के गीत का साहिल लुधियानाविक है। इस फिल्म का संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया है और इसके पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, राजेश खन्ना हैं। इस फिल्म, चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। साउंड ट्रैक के निम्नलिखित ट्रैक शामिल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित और साहिल लुधियानवी के गीतों के साथ हैं। बिना का की गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में अब चाहे माँ रूठे या बाबा गीत को 7 पर सूचीबद्ध किया गया था। गीत मेरे दिल में आज क्या है को बिना का गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में 20वीं पर सूचीबद्ध किया गया था। दाग प्यार की एक कविता साउंडट्रैक एल्बम द्वारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जिसको मुक्त किया है 1973 में भारत में, जिसकी सैली फिल्म साउंडट्रैक है और लेबल सारे गामा पा है। निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक गायक और अवधि के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मेरे दिल में आज क्या है जिसके गायक हैं किशोर कुमार और जिसकी अवधि 4 मिनट 19 सेकेंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है अब चाहे मार उठे या बाबा जिसको गाया है किशोर कुमार लता मंगेशकरी ने और जिसकी अवधि 5 मिनट 36 सेकेंड है। इस फिल्म का तीसरा गीत है हम और तुम और हम किशोर कुमार द्वारा गाया गया और लता मंगेशकरी द्वारा गाया गया गीत है जिसकी अवधि 4 मिनट 7 सेकेंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है जब भी जी चाहे जिसको गाया है लता मंगेशकरी ने और जिसकी अवधि 4 मिनट 19 सेकेंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है मैं तो कुछ भी नहीं जिसको राजेश खन्ना ने गाया है और जिसकी अवधि 2 मिनट 28 सेकेंड है। इस फिल्म का छठा गीत है नी मैं यार मनाना नी जिसके गायक हैं लता मंगेशकर, मीनू पुरुषोत्तम जिसकी अवधि 4 मिनट 48 सेकेंड है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है हवा चले कैसे जिसको लता मंगेशकरी द्वारा गाया गया है और इस गीत की अवधि 5 मिनट 40 सेकेंड है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कार व नामांकन के विषय में। इस फिल्म को 21वां फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यश चोपड़ा और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी हैं। इस फिल्म को मनोनीत किया सर्वश्रेष्ठ फिल्म यश चोपड़ा ने और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजेश खन्ना ने। इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। दाग हिंदी बॉलीवुड फिल्म के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। दाग 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन यश चोपड़ा ने एक निर्माता के रूप में किया है जिसने यश राज फिल्म की नींव रखी है। यह 1886 की थॉमस हार्डे उपन्यास द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का रूपांतरण है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है यश चोपड़ा। यह फिल्म गुलशन नंदा और अख्तर उल ईमान द्वारा लिखित है। यह फिल्म थॉमस हार्डी द्वारा कैस्टरब्रिज के मेयर पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता यश चोपड़ा हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी ने। इस फिल्म का छायाकार केजी ने किया है। यह फिल्म प्राण मेहरा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म यशराज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 27 अप्रैल 1973 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 140 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 6.5 करोड़ रहा है।
फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, मदनपुरी, कादर खान, यश चोपड़ा और एके हेंगल जैसे सितारे हैं। यह फिल्म राजेश खन्ना की दीवानगी के चरम पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और तीनों लीडों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत वर्ष के चार्ट पर हावी रहा। फिल्म को बाद में तेलुगु फिल्म विचित्र जीवितम में बनाया गया था। यह फिल्म कादर खान की बतौर अभिनेता पहली फिल्म थी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म में राखी के चरित्र नाम चांदनी का इस्तेमाल अपनी बाद की फिल्मों सिलसिला 1981 और चांदनी 1989 में भी किया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक युवक सुनील कोहनी, राजेश खन्ना, सुंदर सोनिया, शर्मिला टैगोर के प्यार में पड़ जाता है। जल्द ही वे शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में खराब मौसम के कारण वे सुनील के मालिक के स्वामित्व वाले बंगले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। बॉस का बेटा धीरज कपूर सोनिया के अकेले होने पर बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन सुनील समय पर पहुंच जाता और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप धीरज की मौत हो जाती है। सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, लेकिन जेल के रास्ते में उसे ले जा रही पुलिस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। सभी रहने वाले मारे जाते हैं। सालों बाद सोनिया की स्कूल शिक्षक के रूप में काम कर रही है और सुनील और उसके बेटे की परवरिश कर रही है। उसे पता चला कि उसका पति अभी भी जीवित है। वह सुधीर के रूप में एक नई पहचान के साथ जी रहा है और उसकी शादी चांदनी नाम की एक अमीर लड़की से हुई है। पुलिस वैन के भागने के बाद सुनील चांदनी से मिला, जिसके प्रेमी ने उसे गर्भवती होने की खबर पर छोड़ दिया था। सुनील ने अपनी नई पहचान स्थापित करने में उसकी मदद के बदले में उसके बच्चे को वैधता प्रदान करने के लिए उससे शादी की। अब इतने सालों के बाद एक बार फिर कानून उनके दरवाजे पर है। हालांकि इस बार उनके नाम के साथ एक अतिरिक्त अपराध है, द्विविवाह। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। राजेश खन्ना, जिन्होंने सुनील कोहली और सुधीर का किरदार निभाया है। शर्मिला टैगोर, सोनिया कोहली, राखी, चांदनी, प्रेम चोपड़ा, धीरज कपूर, बेबी पिंकी पिंकी के रूप में, राजू श्रेष्ठ मास्टर जी, जिन्होंने रिंकू का किरदार निभाया है, मनमोहन कृष्ण दीवान चांदनी के पिता के रूप में, मदनपुरी केशी खन्ना, आंचला ससी श्रीमती मालती खन्ना, इफ्तिखार इंस्पेक्टर सिंह, हरी शिव दसानी जगदीश कपूर के किरदार में, यशोधरा काटजू स्कूल प्रिंसिपल के किरदार में, कादर खान अभियोजन पक्ष के वकील के किरदार में, एके हेंगल अभियोजन पक्ष के वकील और न्यायाधीश के रूप में, एसएन बनर्जी जज के रूप में, करण दीवान डॉक्टर कपूर जो चांदनी के पिता का इलाज करते हैं, सुरेंद्र सुनील के चाचा के रूप में, जगदीश राज राम सिंह ड्राइवर के रूप में, मनमोहन वैन में कैदी सुनील के साथ लड़ाई करने के रूप में, पद्मा खन्ना नृत्य की, अरुणा नृत्य की और हबीब लोहार सुनील की हथकड़ी हटा रहा है, साउल जोज जूनियर कलाकार के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की टीम के विषय में। इस फिल्म में डायरेक्टर हैं यश चोपड़ा और यह कहानी गुलशन नंद की है। इस फिल्म में संवाद किया है अख्तर उलीमान ने और इसके निर्माता हैं यश चोपड़ा। इस फिल्म में संपादक किया है प्राण मेहरा ने और इसका कला निर्देशक आर जी गायकवाड़ी ने किया है। इस फिल्म में छायाकार के गीस ने किया है और स्टंट रवि खन्ना एमबी सेट्टी के हैं। इस फिल्म की कोरियोग्राफी सुरेश भट्ट ने की है और इस फिल्म के गीत का साहिल लुधियानाविक है। इस फिल्म का संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया है और इसके पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, राजेश खन्ना हैं। इस फिल्म, चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। साउंड ट्रैक के निम्नलिखित ट्रैक शामिल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित और शाहिल लुधियानवी के गीतों के साथ हैं। बिना का की गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में अब चाहे माँ रूठे या बाबा गीत को 7 पर सूचीबद्ध किया गया था। गीत मेरे दिल में आज क्या है को बिना का गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में 20वीं पर सूचीबद्ध किया गया था।
दाग प्यार की एक कविता साउंडट्रैक एल्बम द्वारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जिसको मुक्त किया है 1973 में भारत में, जिसकी सैली फिल्म साउंडट्रैक है वो लेबल सारे गामा पा है, निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक गायक और अवधि के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मेरे दिल में आज क्या है, जिसके गायक हैं किशोर कुमार और जिसकी अवधि 4 मिनट 19 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है अब चाहे मार उठे या बाबा, जिसको गाया है किशोर कुमार लता मंगेशकरी ने और जिसकी अवधि 5 मिनट 36 सेकंड है। इस फिल्म का तीसरा गीत है हम और तुम और हम, किशोर कुमार द्वारा गाया गया और लता मंगेशकरी द्वारा गाया गया गीत है, जिसकी अवधि 4 मिनट 7 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है जब भी जी चाहे, जिसको गाया है लता मंगेशकरी ने और जिसकी अवधि 4 मिनट 19 सेकंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है मैं तो कुछ भी नहीं, जिसको राजेश खन्ना ने गाया है और जिसकी अवधि 2 मिनट 28 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है नी मैं यार मनाना नी, जिसके गायक हैं लता मंगेशकर मीनू पुरुषोत्तम, जिसकी अवधि 4 मिनट 48 सेकंड है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है हवा चले कैसे, जिसको लता मंगेशकरी द्वारा गाया गया है और इस गीत की अवधि 5 मिनट 40 सेकंड है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कार व नामांकन के विषय में। इस फिल्म को 21वां फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यश चोपड़ा और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी हैं। इस फिल्म को मनोनीत किया सर्वश्रेष्ठ फिल्म यश चोपड़ा ने और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजेश खन्ना ने। इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। दाग हिंदी बॉलीवुड फिल्म के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। दाग 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन यश चोपड़ा ने एक निर्माता के रूप में किया है, जिसने यश राज फिल्म की नींव रखी है। यह 1886 की थॉमस हार्डे उपन्यास द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का रूपांतरण है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है यश चोपड़ा। यह फिल्म गुलशन नंदा और अख्तर उल ईमान द्वारा लिखित है। यह फिल्म थॉमस हार्डी द्वारा कैस्टरब्रिज के मेयर पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता यश चोपड़ा हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी ने। इस फिल्म का छायांकन केजी ने किया है। यह फिल्म प्राण मेहरा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म यशराज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 27 अप्रैल 1973 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 140 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 6.5 करोड़ रहा है। फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, मदनपुरी, कादर खान, यश चोपड़ा और ए के हेंगल जैसे सितारे हैं। यह फिल्म राजेश खन्ना की दीवानगी के चरम पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और तीनों लीडों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत वर्ष के चार्ट पर हावी रहा। फिल्म को बाद में तेलुगु फिल्म विचित्र जीवितम में बनाया गया था। यह फिल्म कादर खान की बतौर अभिनेता पहली फिल्म थी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म में राखी के चरित्र नाम चांदनी का इस्तेमाल अपनी बाद की फिल्मों सिलसिला 1981 और चांदनी 1989 में भी किया। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक युवक सुनील कोहनी, राजेश खन्ना, सुंदर सोनिया, शर्मिला टैगोर के प्यार में पड़ जाता है। जल्द ही वे शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में खराब मौसम के कारण वे सुनील के मालिक के स्वामित्व वाले बंगले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। बॉस का बेटा धीरज कपूर सोनिया के अकेले होने पर बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन सुनील समय पर पहुंच जाता और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप धीरज की मौत हो जाती है। सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, लेकिन जेल के रास्ते में उसे ले जा रही पुलिस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। सभी रहने वाले मारे जाते हैं। सालों बाद सोनिया की स्कूल शिक्षक के रूप में काम कर रही है
और सुनील और उसके बेटे की परवरिश कर रही है। उसे पता चला कि उसका पति अभी भी जीवित है। वह सुधीर के रूप में एक नई पहचान के साथ जी रहा है और उसकी शादी चांदनी नाम की एक अमीर लड़की से हुई है। पुलिस वैन के भागने के बाद सुनील चांदनी से मिला, जिसके प्रेमी ने उसे गर्भवती होने की खबर पर छोड़ दिया था। सुनील ने अपनी नई पहचान स्थापित करने में उसकी मदद के बदले में उसके बच्चे को वैधता प्रदान करने के लिए उससे शादी की। अब इतने सालों के बाद एक बार फिर कानून उनके दरवाजे पर है। हालांकि इस बार उनके नाम के साथ एक अतिरिक्त अपराध है, द्विविवाह। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। राजेश खन्ना, जिन्होंने सुनील कोहली और सुधीर का किरदार निभाया है। शर्मिला टैगोर, सोनिया कोहली, राखी चांदनी, प्रेम चोपड़ा, धीरज कपूर, बेबी पिंकी पिंकी के रूप में, राजू श्रेष्ठ मास्टर जी, जिन्होंने रिंकू का किरदार निभाया है, मनमोहन कृष्ण दीवान चांदनी के पिता के रूप में, मदनपुरी केशी खन्ना, आंचला ससे श्रीमती मालती खन्ना, इफ्तिखार इंस्पेक्टर सिंह, हरी शिव दसानी जगदीश कपूर के किरदार में, यशोधरा काटजू स्कूल प्रिंसिपल के किरदार में, कादर खान अभियोजन पक्ष के वकील के किरदार में, एके हैंगल अभियोजन पक्ष के वकील और न्यायाधीश के रूप में, एसएन बनर्जी जज के रूप में, करण दीवान डॉक्टर कपूर जो चांदनी के पिता का इलाज करते हैं, सुरेंद्र सुनील के चाचा के रूप में, जगदीश राज राम सिंह ड्राइवर के रूप में, मनमोहन वैन में कैदी सुनील के साथ लड़ाई करने के रूप में, पद्मा खन्ना नृत्य की, अरुणा नृत्य की और हबीब लोहार सुनील की हथकड़ी हटा रहा है, साउल जोज जूनियन कलाकार के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की टीम के विषय में। इस फिल्म में डायरेक्टर हैं यश चोपड़ा और यह कहानी गुलशन नंद की है। इस फिल्म में संवाद किया है अख्तर उलीमान ने और इसके निर्माता हैं यश चोपड़ा। इस फिल्म में संपादक किया है प्राण मेहरा ने और इसका कला निर्देशक आर जी गायकवाड़ी ने किया है। इस फिल्म में छायाकार के गीस ने किया है और स्टंट रवि खन्ना एमबी सेट्टी के हैं। इस फिल्म की कोरियोग्राफी सुरेश भट्ट ने की है और इस फिल्म के गीत का साहिल लुधियानाविक है। इस फिल्म का संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया है और इसके पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, राजेश खन्ना हैं। इस चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। साउंड ट्रैक के निम्नलिखित ट्रैक शामिल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित और शाहिल लुधियानवी के गीतों के साथ हैं। बिना काकी गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में अब चाहे माँ रूठे या बाबा गीत को 7 पर सूचीबद्ध किया गया था। गीत मेरे दिल में आज क्या है को बिना का गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में 20वीं पर सूचीबद्ध किया गया था। दाग प्यार की एक कविता साउंडट्रैक एल्बम द्वारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिसको मुक्त किया है 1973 में भारत में, जिसकी सैली फिल्म साउंडट्रैक है और लेबल सारे गामा पा है। निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक गायक और अवधि के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मेरे दिल में आज क्या है, जिसके गायक हैं किशोर कुमार और जिसकी अवधि 4:19 है। इस फिल्म का दूसरा गीत है अब चाहे माँ रूठे या बाबा, जिसको गाया है किशोर कुमार लता मंगेशकरी ने और जिसकी अवधि 5:36 है। इस फिल्म का तीसरा गीत है हम और तुम और हम, किशोर कुमार द्वारा गाया गया और लता मंगेशकरी द्वारा गाया गया गीत है, जिसकी अवधि 4:07 है। इस फिल्म का चौथा गीत है जब भी जी चाहे, जिसको गाया है लता मंगेशकरी ने और जिसकी अवधि 4:19 है। इस फिल्म का पांचवा गीत है मैं तो कुछ भी नहीं, जिसको राजेश खन्ना ने गाया है और जिसकी अवधि 2:28 है। इस फिल्म का छठा गीत है नी मैं यार मनाना नी, जिसके गायक हैं लता मंगेशकर, मीनू पुरुषोत्तम, जिसकी अवधि 4:48 है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है हवा चले कैसे, जिसको लता मंगेशकरी द्वारा गाया गया है और इस गीत की अवधि 5:46 है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कार व नामांकन के विषय में। इस फिल्म को 21वां फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यश चोपड़ा और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी हैं।
इस फिल्म को मनोनीत किया सर्वश्रेष्ठ फिल्म यश चोपड़ा ने और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजेश खन्ना ने। इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। दाग हिंदी बॉलीवुड फिल्म के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। दाग 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन यश चोपड़ा ने एक निर्माता के रूप में किया है जिसने यश राज फिल्म की नींव रखी है। यह 1886 की थॉमस हार्डी उपन्यास द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का रूपांतरण है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है यश चोपड़ा। यह फिल्म गुलशन नंदा और अख्तर उल ईमान द्वारा लिखित है। यह फिल्म थॉमस हार्डी द्वारा कैस्टरब्रिज के मेयर पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता यश चोपड़ा हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी ने। इस फिल्म का छायांकन केजी ने किया है। यह फिल्म प्राण मेहरा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म यशराज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 27 अप्रैल 1973 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 146 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 6.5 करोड़ रहा है। फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, मदनपुरी, कादर खान, यश चोपड़ा और ए के हेंगल जैसे सितारे हैं। यह फिल्म राजेश खन्ना की दीवानगी के चरम पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और तीनों लीडों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत वर्ष के चार्ट पर हावी रहा। फिल्म को बाद में तेलुगु फिल्म विचित्र जीवितम में बनाया गया था। यह फिल्म कादर खान की बतौर अभिनेता पहली फिल्म थी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म में राखी के चरित्र नाम चांदनी का इस्तेमाल अपनी बाद की फिल्मों सिलसिला 1981 और चांदनी 1989 में भी किया। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक युवक सुनील कोहनी, राजेश खन्ना, सुंदर सोनिया, शर्मिला टैगोर के प्यार में पड़ जाता है। जल्द ही वे शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में खराब मौसम के कारण वे सुनील के मालिक के स्वामित्व वाले बंगले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। बॉस का बेटा धीरज कपूर सोनिया के अकेले होने पर बलात्कार करने की कोशिश करता है लेकिन सुनील समय पर पहुंच जाता और लड़ाई शुरू हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप धीरज की मौत हो जाती है। सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई लेकिन जेल के रास्ते में उसे ले जा रही पुलिस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। सभी रहने वाले मारे जाते हैं। सालों बाद सोनिया की स्कूल शिक्षक के रूप में काम कर रही है और सुनील और उसके बेटे की परवरिश कर रही है। उसे पता चला कि उसका पति अभी भी जीवित है। वह सुधीर के रूप में एक नई पहचान के साथ जी रहा है और उसकी शादी चांदनी नाम की एक अमीर लड़की से हुई है। पुलिस वैन के भागने के बाद सुनील चांदनी से मिला जिसके प्रेमी ने उसे गर्भवती होने की खबर पर छोड़ दिया था। सुनील ने अपनी नई पहचान स्थापित करने में उसकी मदद के बदले में उसके बच्चे को वैधता प्रदान करने के लिए उससे शादी की। अब इतने सालों के बाद एक बार फिर कानून उनके दरवाजे पर है। हालांकि इस बार उनके नाम के साथ एक अतिरिक्त अपराध है, द्विविवाह। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। राजेश खन्ना जिन्होंने सुनील कोहली और सुधीर का किरदार निभाया है। शर्मिला टैगोर, सोनिया कोहली, राखी, चांदनी, प्रेम चोपड़ा, धीरज कपूर, बेबी पिंकी पिंकी के रूप में, राजू श्रेष्ठ मास्टर जी जिन्होंने रिंकू का किरदार निभाया है, मनमोहन कृष्ण दीवान चांदनी के पिता के रूप में, मदनपुरी केशी खन्ना आंचला ससे श्रीमती मालती खन्ना, इफ्तिखार इंस्पेक्टर सिंह, हरी शिव दसानी जगदीश कपूर के किरदार में, यशोधरा काटजू स्कूल प्रिंसिपल के किरदार में, कादर खान अभियोजन पक्ष के वकील के किरदार में, ए के हेंगल अभियोजन पक्ष के वकील और न्यायाधीश के रूप में, एस एन बनर्जी जज के रूप में, करण दीवान डॉक्टर कपूर जो चांदनी के पिता का
इलाज करते हैं। सुरेंद्र सुनील के चाचा के रूप में, जगदीश राज राम सिंह ड्राइवर के रूप में, मनमोहन वैन में कैदी सुनील के साथ लड़ाई करने के रूप में, पद्मा खन्ना नृत्य की, अरुणा नृत्य की और हबीब लोहार सुनील की हथकड़ी हटा रहा है। साउल जोसेफ जूनियर कलाकार के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की टीम के विषय में। इस फिल्म में डायरेक्टर हैं यश चोपड़ा और यह कहानी गुलशन नंद की है। इस फिल्म में संवाद किया है अख्तर उलीमान ने और इसके निर्माता हैं यश चोपड़ा। इस फिल्म में संपादक किया है प्राण मेहरा ने और इसका कला निर्देशक आरजी गायकवाड़ी ने किया है। इस फिल्म में छायाकार के गीस ने किया है और स्टंट रवि खन्ना एमबी सेट्टी के हैं। इस फिल्म की कोरियोग्राफी सुरेश भट्ट ने की है और इस फिल्म के गीत का साहिल लुधियानाविक है। इस फिल्म का संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया है और इसके पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, राजेश खन्ना हैं। इस चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। साउंड ट्रैक के निम्नलिखित ट्रैक शामिल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित और शाहिल लुधियानवी के गीतों के साथ हैं। बिना काकी गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में अब चाहे माँ रूठे या बाबा गीत को 7 पर सूचीबद्ध किया गया था। गीत मेरे दिल में आज क्या है को बिना का गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में 20वीं पर सूचीबद्ध किया गया था। दाग प्यार की एक कविता साउंडट्रैक एल्बम द्वारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिसको मुक्त किया है 1973 में भारत में, जिसकी सैली फिल्म साउंडट्रैक है और लेबल सारे गामा पा है। निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक गायक और अवधि के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मेरे दिल में आज क्या है, जिसके गायक हैं किशोर कुमार और जिसकी अवधि 4 मिनट 19 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है अब चाहे मां रूठे या बाबा, जिसको गाया है किशोर कुमार, लता मंगेशकरी ने और जिसकी अवधि 5 मिनट 36 सेकंड है। इस फिल्म का तीसरा गीत है हम और तुम और हम, किशोर कुमार द्वारा गाया गया और लता मंगेशकरी द्वारा गाया गया गीत है, जिसकी अवधि 4 मिनट 7 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है जब भी जी चाहे, जिसको गाया है लता मंगेशकरी ने और जिसकी अवधि 4 मिनट 19 सेकंड है। इस फिल्म का पाँचवा गीत है मैं तो कुछ भी नहीं, जिसको राजेश खन्ना ने गाया है और जिसकी अवधि 2 मिनट 28 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है नी मैं यार मनाना नी, जिसके गायक हैं लता मंगेशकर, मीनू पुरुषोत्तम, जिसकी अवधि 4 मिनट 48 सेकंड है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है हवा चले कैसे, जिसको लता मंगेशकरी द्वारा गाया गया है और इस गीत की अवधि 5 मिनट 46 सेकंड है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कार व नामांकन के विषय में। इस फिल्म को 21वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यश चोपड़ा और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी हैं। इस फिल्म को मनोनीत किया सर्वश्रेष्ठ फिल्म यश चोपड़ा ने और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजेश खन्ना ने। इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। दाग हिंदी बॉलीवुड फिल्म के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। दाग 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन यश चोपड़ा ने एक निर्माता के रूप में किया है, जिसने यश राज फिल्म की नींव रखी है। यह 1886 की थॉमस हार्डी उपन्यास द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का रूपांतरण है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है यश चोपड़ा। यह फिल्म गुलशन नंदा और अख्तर उल ईमान द्वारा लिखित है। यह फिल्म थॉमस हार्डी द्वारा कैस्टरब्रिज के मेयर पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता यश चोपड़ा हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी ने। इस फिल्म का छायाकार केजी ने किया है। यह फिल्म प्राण मेहरा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म यश राज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 27 अप्रैल 1973 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 140 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 6.5 करोड़ रहा है।
फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, मदन पुरी, कादर खान, यश चोपड़ा और ए के हेंगल जैसे सितारे हैं। यह फिल्म राजेश खन्ना की दीवानगी के चरम पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और तीनों लीडों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत वर्ष के चार्ट पर हावी रहा। फिल्म को बाद में तेलुगु फिल्म विचित्र जीवितम में बनाया गया था। यह फिल्म कादर खान की बतौर अभिनेता पहली फिल्म थी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म में राखी के चरित्र नाम चांदनी का इस्तेमाल अपनी बाद की फिल्मों सिलसिला 1981 और चांदनी 1989 में भी किया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक युवक सुनील कोहनी, राजेश खन्ना, सुंदर सोनिया, शर्मिला टैगोर के प्यार में पड़ जाता है। जल्द ही वे शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में खराब मौसम के कारण वे सुनील के मालिक के स्वामित्व वाले बंगले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। बॉस का बेटा धीरज कपूर सोनिया के अकेले होने पर बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन सुनील समय पर पहुंच जाता और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप धीरज की मौत हो जाती है। सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, लेकिन जेल के रास्ते में उसे ले जा रही पुलिस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। सभी रहने वाले मारे जाते हैं। सालों बाद सोनिया की स्कूल शिक्षक के रूप में काम कर रही है और सुनील और उसके बेटे की परवरिश कर रही है। उसे पता चला कि उसका पति अभी भी जीवित है। वह सुधीर के रूप में एक नई पहचान के साथ जी रहा है और उसकी शादी चांदनी नाम की एक अमीर लड़की से हुई है। पुलिस वैन के भागने के बाद सुनील चांदनी से मिला, जिसके प्रेमी ने उसे गर्भवती होने की खबर पर छोड़ दिया था। सुनील ने अपनी नई पहचान स्थापित करने में उसकी मदद के बदले में उसके बच्चे को वैधता प्रदान करने के लिए उससे शादी की। अब इतने सालों के बाद एक बार फिर कानून उनके दरवाजे पर है। हालांकि इस बार उनके नाम के साथ एक अतिरिक्त अपराध है, द्विविवाह। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। राजेश खन्ना, जिन्होंने सुनील कोहली और सुधीर का किरदार निभाया है। शर्मिला टैगोर, सोनिया कोहली, राखी, चांदनी, प्रेम चोपड़ा, धीरज कपूर, बेबी पिंकी पिंकी के रूप में, राजू श्रेष्ठ मास्टर जी, जिन्होंने रिंकू का किरदार निभाया है, मनमोहन कृष्ण दीवान चांदनी के पिता के रूप में, मदनपुरी केशी खन्ना, आंचला ससे श्रीमती मालती खन्ना, इफ्तिखार इंस्पेक्टर सिंह, हरी शिव दसानी जगदीश कपूर के किरदार में, यशोधरा काटजू स्कूल प्रिंसिपल के किरदार में, कादर खान अभियोजन पक्ष के वकील के किरदार में, ए के हेंगल अभियोजन पक्ष के वकील और न्यायाधीश के रूप में, एस एन बनर्जी जज के रूप में, करण दीवान डॉक्टर कपूर जो चांदनी के पिता का इलाज करते हैं, सुरेंद्र सुनील के चाचा के रूप में, जगदीश राज राम सिंह ड्राइवर के रूप में, मनमोहन वैन में कैदी सुनील के साथ लड़ाई करने के रूप में, पद्मा खन्ना नृत्यकी, अरुणा नृत्यकी और हबीब लोहार सुनील की हथकड़ी हटा रहा है, साउल जोज जूनियर कलाकार के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की टीम के विषय में। इस फिल्म में डायरेक्टर हैं यश चोपड़ा और यह कहानी गुलशन नंद की है। इस फिल्म में संवाद किया है अख्तर उलीमान ने और इसके निर्माता हैं यश चोपड़ा। इस फिल्म में संपादक किया है प्राण मेहरा ने और इसका कला निर्देशक आर जी गायकवाड़ी ने किया है। इस फिल्म में छायाकार के गीस ने किया है और स्टंट रवि खन्ना एम बी सेट्टी के हैं। इस फिल्म की कोरियोग्राफी सुरेश भट्ट ने की है और इस फिल्म के गीत का साहिल लुधियानाविक है। इस फिल्म का संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया है और इसके पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, राजेश खन्ना हैं। इस फिल्म, चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। साउंड ट्रैक के निम्नलिखित ट्रैक शामिल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित और शाही लुधियानवी के गीतों के साथ हैं। बिना काकी गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में अब चाहे माँ रूठे या बाबा गीत को 7 पर सूचीबद्ध किया गया था। गीत मेरे दिल में आज क्या है को बिना का गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में 20वीं पर सूचीबद्ध किया गया था।
दाग प्यार की एक कविता साउंडट्रैक एल्बम द्वारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिसको मुक्त किया है 1973 में भारत में, जिसकी सैली फिल्म साउंडट्रैक है और लेबल सारे गामा पा है, निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक गायक और अवधि के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मेरे दिल में आज क्या है, जिसके गायक हैं किशोर कुमार और जिसकी अवधि 4 मिनट 19 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है अब चाहे मार उठे या बाबा, जिसको गाया है किशोर कुमार लता मंगेशकरी ने और जिसकी अवधि 5 मिनट 36 सेकंड है। इस फिल्म का तीसरा गीत है हम और तुम और हम, किशोर कुमार द्वारा गाया गया और लता मंगेशकरी द्वारा गाया गया गीत है, जिसकी अवधि 4 मिनट 7 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है जब भी जी चाहे, जिसको गाया है लता मंगेशकरी ने और जिसकी अवधि 4 मिनट 19 सेकंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है मैं तो कुछ भी नहीं, जिसको राजेश खन्ना ने गाया है और जिसकी अवधि 2 मिनट 28 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है नी मैं यार मनाना नी, जिसके गायक हैं लता मंगेशकर मीनू पुरुषोत्तम, जिसकी अवधि 4 मिनट 48 सेकंड है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है हवा चले कैसे, जिसको लता मंगेशकरी द्वारा गाया गया है और इस गीत की अवधि 5 मिनट 46 सेकंड है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कार व नामांकन के विषय में। इस फिल्म को 21वां फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मिल यश चोपड़ा और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी हैं। इस फिल्म को मनोनीत किया सर्वश्रेष्ठ फिल्म यश चोपड़ा ने और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजेश खन्ना ने। इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। दाग हिंदी बॉलीवुड फिल्म के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। दाग 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन यश चोपड़ा ने एक निर्माता के रूप में किया है, जिसने यशराज फिल्म की नींव रखी है। यह 1886 की थॉमस हार्डी उपन्यास द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का रूपांतरण है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है यश चोपड़ा। यह फिल्म गुलशन नंदा और अख्तर उल ईमान द्वारा लिखित है। यह फिल्म थॉमस हार्डी द्वारा कैस्टरब्रिज के मेयर पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता यश चोपड़ा हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी ने। इस फिल्म का छायांकन केजी ने किया है। यह फिल्म प्राण मेहरा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म यशराज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 27 अप्रैल 1973 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 140 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 6.5 करोड़ रहा है। फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, मदनपुरी, कादर खान, यश चोपड़ा और एके हैंगल जैसे सितारे हैं। यह फिल्म राजेश खन्ना की दीवानगी के चरम पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और तीनों लीडों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत वर्ष के चार्ट पर हावी रहा। फिल्म को बाद में तेलुगु फिल्म विचित्र जीवितम में बनाया गया था। यह फिल्म कादर खान की बतौर अभिनेता पहली फिल्म थी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म में राखी के चरित्र नाम चांदनी का इस्तेमाल अपनी बाद की फिल्मों सिलसिला 1981 और चांदनी 1989 में भी किया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक युवक सुनील कोहनी, राजेश खन्ना, सुंदर सोनिया, शर्मिला टैगोर के प्यार में पड़ जाता है। जल्द ही वे शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में खराब मौसम के कारण वे सुनील के मालिक के स्वामित्व वाले बंगले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। बॉस का बेटा धीरज कपूर सोनिया के अकेले होने पर बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन सुनील समय पर पहुंच जाता और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप धीरज की मौत हो जाती है। सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, लेकिन जेल के रास्ते में उसे ले जा रही पुलिस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। सभी रहने वाले मारे जाते हैं। सालों बाद सोनिया की स्कूल शिक्षक के रूप में काम कर रही है
और सुनील और उसके बेटे की परवरिश कर रही है। उसे पता चला कि उसका पति अभी भी जीवित है। वह सुधीर के रूप में एक नई पहचान के साथ जी रहा है और उसकी शादी चांदनी नाम की एक अमीर लड़की से हुई है। पुलिस वैन के भागने के बाद सुनील चांदनी से मिला, जिसके प्रेमी ने उसे गर्भवती होने की खबर पर छोड़ दिया था। सुनील ने अपनी नई पहचान स्थापित करने में उसकी मदद के बदले में उसके बच्चे को वैधता प्रदान करने के लिए उससे शादी की। अब इतने सालों के बाद एक बार फिर कानून उनके दरवाजे पर है। हालांकि इस बार उनके नाम के साथ एक अतिरिक्त अपराध है, द्विविवाह। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। राजेश खन्ना, जिन्होंने सुनील कोहली और सुधीर का किरदार निभाया है, शर्मिला टैगोर, सोनिया कोहली, राखी चांदनी, प्रेम चोपड़ा, धीरज कपूर, बेबी पिंकी पिंकी के रूप में, राजू श्रेष्ठ मास्टर जी, जिन्होंने रिंकू का किरदार निभाया है, मनमोहन कृष्ण दीवान चांदनी के पिता के रूप में, मदनपुरी केशी खन्ना, आंचला ससे श्रीमती मालती खन्ना, इफ्तिखार इंस्पेक्टर सिंह, हरी शिव दसानी जगदीश कपूर के किरदार में, यशोधरा काटजू स्कूल प्रिंसिपल के किरदार में, कादर खान अभियोजन पक्ष के वकील के किरदार में, ए के हैंगल अभियोजन पक्ष के वकील और न्यायाधीश के रूप में, एस एन बैनर्जी जज के रूप में, करण दीवान डॉक्टर कपूर जो चांदनी के पिता का इलाज करते हैं, सुरेंद्र सुनील के चाचा के रूप में, जगदीश राज राम सिंह ड्राइवर के रूप में, मनमोहन वैन में कैदी सुनील के साथ लड़ाई करने के रूप में, पद्मा खन्ना नृत्यकी, अरुणा नृत्यकी और हबीब लोहार सुनील की हथकड़ी हटा रहा है, साउल जोज जूनियर कलाकार के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की टीम के विषय में। इस फिल्म में डायरेक्टर हैं यश चोपड़ा और यह कहानी गुलशन नंद की है। इस फिल्म में संवाद किया है अख्तर उलीमान ने और इसके निर्माता हैं यश चोपड़ा। इस फिल्म में संपादक किया है प्राण मेहरा ने और इसका कला निर्देशक आर जी गायकवाड़ी ने किया है। इस फिल्म में छायाकार के गीस ने किया है और स्टंट रवि खन्ना एमबी सेट्टी के हैं। इस फिल्म की कोरियोग्राफी सुरेश भट्ट ने की है और इस फिल्म के गीत का साहिल लुधियानाविक है। इस फिल्म का संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया है और इसके पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, राजेश खन्ना हैं। इस फिल्म, चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। साउंड ट्रैक के निम्नलिखित ट्रैक शामिल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित और शाहिल लुधियानवी के गीतों के साथ हैं। बिना का की गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में अब चाहे माँ रूठे या बाबा गीत को 7 पर सूचीबद्ध किया गया था। गीत मेरे दिल में आज क्या है को बिना का गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में 20वीं पर सूचीबद्ध किया गया था। दाग प्यार की एक कविता साउंडट्रैक एल्बम द्वारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिसको मुक्त किया है 1973 में भारत में, जिसकी सैली फिल्म साउंडट्रैक है और लेबल सारे गामा पा है। निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक गायक और अवधि के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मेरे दिल में आज क्या है, जिसके गायक हैं किशोर कुमार और जिसकी अवधि 4:19 है। इस फिल्म का दूसरा गीत है अब चाहे मार उठे या बाबा, जिसको गाया है किशोर कुमार, लता मंगेशकरी ने और जिसकी अवधि 5:36 है। इस फिल्म का तीसरा गीत है हम और तुम और हम, किशोर कुमार द्वारा गाया गया और लता मंगेशकरी द्वारा गाया गया गीत है, जिसकी अवधि 4:07 है। इस फिल्म का चौथा गीत है जब भी जी चाहे, जिसको गाया है लता मंगेशकरी ने और जिसकी अवधि 4:19 है। इस फिल्म का पांचवा गीत है मैं तो कुछ भी नहीं, जिसको राजेश खन्ना ने गाया है और जिसकी अवधि 2:28 है। इस फिल्म का छठा गीत है नी मैं यार मनाना नी, जिसके गायक हैं लता मंगेशकर, मीनू पुरुषोत्तम, जिसकी अवधि 4:48 है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है हवा चले कैसे, जिसको लता मंगेशकरी द्वारा गाया गया है और इस गीत की अवधि 5:46 है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कार व नामांकन के विषय में। इस फिल्म को 21वां फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यश चोपड़ा और सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री राखी हैं।
इस फिल्म को मनोनीत किया सर्वश्रेष्ठ फिल्म यश चोपड़ा ने और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजेश खन्ना ने। इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। दाग हिंदी बॉलीवुड फिल्म के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। दाग 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन यश चोपड़ा ने एक निर्माता के रूप में किया है जिसने यशराज फिल्म की नींव रखी है। यह 1886 की थॉमस हार्डे उपन्यास द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का रूपांतरण है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है यश चोपड़ा। यह फिल्म गुलशन नंदा और अख्तर उल ईमान द्वारा लिखित है। यह फिल्म थॉमस हार्डी द्वारा कैस्टरब्रिज के मेयर पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता यश चोपड़ा हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी ने। इस फिल्म का छायांकन केजी ने किया है। यह फिल्म प्राण मेहरा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म यशराज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 27 अप्रैल 1973 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 140 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 6.5 करोड़ रहा है। फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, मदनपुरी, कादर खान, यश चोपड़ा और एके हेंगल जैसे सितारे हैं। यह फिल्म राजेश खन्ना की दीवानगी के चरम पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और तीनों लीडों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत वर्ष के चार्ट पर हावी रहा। फिल्म को बाद में तेलुगु फिल्म विचित्र जीवितम में बनाया गया था। यह फिल्म कादर खान की बतौर अभिनेता पहली फिल्म थी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म में राखी के चरित्र नाम चांदनी का इस्तेमाल अपनी बाद की फिल्मों सिलसिला 1981 और चांदनी 1989 में भी किया। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक युवक सुनील कोहनी, राजेश खन्ना, सुंदर सोनिया, शर्मिला टैगोर के प्यार में पड़ जाता है। जल्द ही वे शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में खराब मौसम के कारण वे सुनील के मालिक के स्वामित्व वाले बंगले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। बॉस का बेटा धीरज कपूर सोनिया के अकेले होने पर बलात्कार करने की कोशिश करता है लेकिन सुनील समय पर पहुंच जाता और लड़ाई शुरू हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप धीरज की मौत हो जाती है। सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई लेकिन जेल के रास्ते में उसे ले जा रही पुलिस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। सभी रहने वाले मारे जाते हैं। सालों बाद सोनिया की स्कूल शिक्षक के रूप में काम कर रही है और सुनील और उसके बेटे की परवरिश कर रही है। उसे पता चला कि उसका पति अभी भी जीवित है। वह सुधीर के रूप में एक नई पहचान के साथ जी रहा है और उसकी शादी चांदनी नाम की एक अमीर लड़की से हुई है। पुलिस वैन के भागने के बाद सुनील चांदनी से मिला जिसके प्रेमी ने उसे गर्भवती होने की खबर पर छोड़ दिया था। सुनील ने अपनी नई पहचान स्थापित करने में उसकी मदद के बदले में उसके बच्चे को वैधता प्रदान करने के लिए उससे शादी की। अब इतने सालों के बाद एक बार फिर कानून उनके दरवाजे पर है। हालांकि इस बार उनके नाम के साथ एक अतिरिक्त अपराध है, द्विविवाह। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। राजेश खन्ना जिन्होंने सुनील कोहली और सुधीर का किरदार निभाया है, शर्मिला टैगोर, सोनिया कोहली, राखी, चांदनी, प्रेम चोपड़ा, धीरज कपूर, बेबी पिंकी के रूप में, राजू श्रेष्ठ मास्टर जी जिन्होंने रिंकू का किरदार निभाया है, मनमोहन कृष्ण दीवान चांदनी के पिता के रूप में, मदनपुरी केशी खन्ना, आंचला ससुर श्रीमती मालती खन्ना, इफ्तिखार इंस्पेक्टर सिंह, हरी शिव दसानी जगदीश कपूर के किरदार में, यशोधरा काटजू स्कूल प्रिंसिपल के किरदार में, कादर खान अभियोजन पक्ष के वकील के किरदार में, एके हेंगल अभियोजन पक्ष के वकील और न्यायाधीश के रूप में, एसएन बनर्जी जज के रूप में, करण दीवान डॉक्टर कपूर जो चांदनी के पिता का
इलाज करते हैं। सुरेंद्र सुनील के चाचा के रूप में, जगदीश राज राम सिंह ड्राइवर के रूप में, मनमोहन वैन में कैदी सुनील के साथ लड़ाई करने के रूप में, पद्मा खन्ना नृत्य की, अरुणा नृत्य की और हबीब लोहार सुनील की हथकड़ी हटा रहा है। साउल जोजस जूनियर कलाकार के रूप में। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की टीम के विषय में। इस फिल्म में डायरेक्टर हैं यश चोपड़ा और यह कहानी गुलशन नंद की है। इस फिल्म में संवाद किया है अख्तर उलीमान ने और इसके निर्माता हैं यश चोपड़ा। इस फिल्म में संपादक किया है प्राण मेहरा ने और इसका कला निर्देशक आरजी गायकवाड़ी ने किया है। इस फिल्म में छायाकार के गीस ने किया है और स्टंट रवि खन्ना एमबी सेट्टी के हैं। इस फिल्म की कोरियोग्राफी सुरेश भट्ट ने की है और इस फिल्म के गीत का साहिल लुधियानाविक है। इस फिल्म का संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया है और इसके पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, राजेश खन्ना हैं। इस चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। साउंड ट्रैक के निम्नलिखित ट्रैक शामिल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित और साहिल लुधियानवी के गीतों के साथ हैं। बिना का की गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में अब चाहे माँ रूठे या बाबा गीत को 7 पर सूचीबद्ध किया गया था। गीत मेरे दिल में आज क्या है को बिना का गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में 20वीं पर सूचीबद्ध किया गया था। दाग प्यार की एक कविता साउंडट्रैक एल्बम द्वारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जिसको मुक्त किया है 1973 में भारत में, जिसकी सैली फिल्म साउंडट्रैक है और लेबल सारे गामा पा है। निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक गायक और अवधि के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मेरे दिल में आज क्या है जिसके गायक हैं किशोर कुमार और जिसकी अवधि 4 मिनट 19 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है अब चाहे मार उठे या बाबा जिसको गाया है किशोर कुमार लता मंगेशकरी ने और जिसकी अवधि 5 मिनट 36 सेकंड है। इस फिल्म का तीसरा गीत है हम और तुम और हम किशोर कुमार द्वारा गाया गया और लता मंगेशकरी द्वारा गाया गया गीत है जिसकी अवधि 4 मिनट 7 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है जब भी जी चाहे जिसको गाया है लता मंगेशकरी ने और जिसकी अवधि 4 मिनट 19 सेकंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है मैं तो कुछ भी नहीं जिसको राजेश खन्ना ने गाया है और जिसकी अवधि 2 मिनट 28 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है नी मैं यार मनाना नी जिसके गायक हैं लता मंगेशकर, मीनू पुरुषोत्तम जिसकी अवधि 4 मिनट 48 सेकंड है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है हवा चले कैसे जिसको लता मंगेशकरी द्वारा गाया गया है और इस गीत की अवधि 5 मिनट 40 सेकंड है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कार व नामांकन के विषय में। इस फिल्म को 21वां फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यश चोपड़ा और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी हैं। इस फिल्म को मनोनीत किया सर्वश्रेष्ठ फिल्म यश चोपड़ा ने और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजेश खन्ना ने। इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। दाग हिंदी बॉलीवुड फिल्म के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। दाग 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन यश चोपड़ा ने एक निर्माता के रूप में किया है जिसने यश राज फिल्म की नींव रखी है। यह 1886 की थॉमस हार्डे उपन्यास द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का रूपांतरण है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है यश चोपड़ा। यह फिल्म गुलशन नंदा और अख्तर उल ईमान द्वारा लिखित है। यह फिल्म थॉमस हार्डी द्वारा कैस्टरब्रिज के मेयर पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता यश चोपड़ा हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी ने। इस फिल्म का छायांकन केजी ने किया है। यह फिल्म प्राण मेहरा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म यश राज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 27 अप्रैल 1973 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 140 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 6.5 करोड़ रहा है।
फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, मदनपुरी, कादर खान, यश चोपड़ा और एके हेंगल जैसे सितारे हैं। यह फिल्म राजेश खन्ना की दीवानगी के चरम पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और तीनों लीडों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत वर्ष के चार्ट पर हावी रहा। फिल्म को बाद में तेलुगु फिल्म विचित्र जीवितम में बनाया गया था। यह फिल्म कादर खान की बतौर अभिनेता पहली फिल्म थी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म में राखी के चरित्र नाम चांदनी का इस्तेमाल अपनी बाद की फिल्मों सिलसिला 1981 और चांदनी 1989 में भी किया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक युवक सुनील कोहनी, राजेश खन्ना, सुंदर सोनिया, शर्मिला टैगोर के प्यार में पड़ जाता है। जल्द ही वे शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में खराब मौसम के कारण वे सुनील के मालिक के स्वामित्व वाले बंगले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। बॉस का बेटा धीरज कपूर सोनिया के अकेले होने पर बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन सुनील समय पर पहुंच जाता और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप धीरज की मौत हो जाती है। सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, लेकिन जेल के रास्ते में उसे ले जा रही पुलिस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। सभी रहने वाले मारे जाते हैं। सालों बाद सोनिया की स्कूल शिक्षक के रूप में काम कर रही है और सुनील और उसके बेटे की परवरिश कर रही है। उसे पता चला कि उसका पति अभी भी जीवित है। वह सुधीर के रूप में एक नई पहचान के साथ जी रहा है और उसकी शादी चांदनी नाम की एक अमीर लड़की से हुई है। पुलिस वैन के भागने के बाद सुनील चांदनी से मिला, जिसके प्रेमी ने उसे गर्भवती होने की खबर पर छोड़ दिया था। सुनील ने अपनी नई पहचान स्थापित करने में उसकी मदद के बदले में उसके बच्चे को वैधता प्रदान करने के लिए उससे शादी की। अब इतने सालों के बाद एक बार फिर कानून उनके दरवाजे पर है। हालांकि इस बार उनके नाम के साथ एक अतिरिक्त अपराध है, द्विविवाह। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। राजेश खन्ना, जिन्होंने सुनील कोहली और सुधीर का किरदार निभाया है। शर्मिला टैगोर, सोनिया कोहली, राखी, चांदनी, प्रेम चोपड़ा, धीरज कपूर, बेबी पिंकी पिंकी के रूप में, राजू श्रेष्ठ मास्टर जी, जिन्होंने रिंकू का किरदार निभाया है, मनमोहन कृष्ण दीवान चांदनी के पिता के रूप में, मदनपुरी केशी खन्ना, आंचला ससे श्रीमती मालती खन्ना, इफ्तिखार इंस्पेक्टर सिंह, हरी शिव दसानी जगदीश कपूर के किरदार में, यशोधरा काटजू स्कूल प्रिंसिपल के किरदार में, कादर खान अभियोजन पक्ष के वकील के किरदार में, एके हेंगल अभियोजन पक्ष के वकील और न्यायाधीश के रूप में, एसएन बनर्जी जज के रूप में, करण दीवान डॉक्टर कपूर जो चांदनी के पिता का इलाज करते हैं, सुरेंद्र सुनील के चाचा के रूप में, जगदीश राज राम सिंह ड्राइवर के रूप में, मनमोहन वैन में कैदी सुनील के साथ लड़ाई करने के रूप में, पद्मा खन्ना नृत्य की, अरुणा नृत्य की और हबीब लोहार सुनील की हथकड़ी हटा रहा है, साउल जोज जूनियर कलाकार के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की टीम के विषय में। इस फिल्म में डायरेक्टर हैं यश चोपड़ा और यह कहानी गुलशन नंद की है। इस फिल्म में संवाद किया है अख्तर उलीमान ने और इसके निर्माता हैं यश चोपड़ा। इस फिल्म में संपादक किया है प्राण मेहरा ने और इसका कला निर्देशक आरजी गायकवाड़ी ने किया है। इस फिल्म में छायाकार के गीस ने किया है और स्टंट रवि खन्ना एमबी सेट्टी के हैं। इस फिल्म की कोरियोग्राफी सुरेश भट्ट ने की है और इस फिल्म के गीत का साहिल लुधियानाविक है। इस फिल्म का संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया है और इसके पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, राजेश खन्ना हैं। इस चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। साउंड ट्रैक के निम्नलिखित ट्रैक शामिल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित और शाहिल लुधियानवी के गीतों के साथ हैं। बिना काकी गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में अब चाहे माँ रूठे या बाबा गीत को 7 पर सूचीबद्ध किया गया था। गीत मेरे दिल में आज क्या है को बिना का गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में 20वीं पर सूचीबद्ध किया गया था।
दाग प्यार की एक कविता साउंडट्रैक एल्बम द्वारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जिसको मुक्त किया है 1973 में भारत में, जिसकी सैली फिल्म साउंडट्रैक है और लेबल सारे गामा पा है, निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक गायक और अवधि के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मेरे दिल में आज क्या है, जिसके गायक हैं किशोर कुमार और जिसकी अवधि 4 मिनट 19 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है अब चाहे मार उठे या बाबा, जिसको गाया है किशोर कुमार लता मंगेशकरी ने और जिसकी अवधि 5 मिनट 36 सेकंड है। इस फिल्म का तीसरा गीत है हम और तुम और हम, किशोर कुमार द्वारा गाया गया और लता मंगेशकरी द्वारा गाया गया गीत है, जिसकी अवधि 4 मिनट 7 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है जब भी जी चाहे, जिसको गाया है लता मंगेशकरी ने और जिसकी अवधि 4 मिनट 19 सेकंड है। इस फिल्म का पाँचवा गीत है मैं तो कुछ भी नहीं, जिसको राजेश खन्ना ने गाया है और जिसकी अवधि 2 मिनट 28 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है नी मैं यार मनाना नी, जिसके गायक हैं लता मंगेशकर मीनू पुरुषोत्तम, जिसकी अवधि 4 मिनट 48 सेकंड है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है हवा चले कैसे, जिसको लता मंगेशकरी द्वारा गाया गया है और इस गीत की अवधि 5 मिनट 46 सेकंड है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कार व नामांकन के विषय में। इस फिल्म को 21वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यश चोपड़ा और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी हैं। इस फिल्म को मनोनीत किया सर्वश्रेष्ठ फिल्म यश चोपड़ा ने और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजेश खन्ना ने। इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। दाग हिंदी बॉलीवुड फिल्म के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। दाग 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन यश चोपड़ा ने एक निर्माता के रूप में किया है, जिसने यशराज फिल्म की नींव रखी है। यह 1886 की थॉमस हार्डी उपन्यास द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का रूपांतरण है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है यश चोपड़ा। यह फिल्म गुलशन नंदा और अख्तर उल ईमान द्वारा लिखित है। यह फिल्म थॉमस हार्डी द्वारा कैस्टरब्रिज के मेयर पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता यश चोपड़ा हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी ने। इस फिल्म का छायांकन केजी ने किया है। यह फिल्म प्राण मेहरा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म यशराज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 27 अप्रैल 1973 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 146 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 6.5 करोड़ रहा है। फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, मदनपुरी, कादर खान, यश चोपड़ा और ए के हेंगल जैसे सितारे हैं। यह फिल्म राजेश खन्ना की दीवानगी के चरम पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और तीनों लीडों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत वर्ष के चार्ट पर हावी रहा। फिल्म को बाद में तेलुगु फिल्म विचित्र जीवितम में बनाया गया था। यह फिल्म कादर खान की बतौर अभिनेता पहली फिल्म थी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म में राखी के चरित्र नाम चांदनी का इस्तेमाल अपनी बाद की फिल्मों सिलसिला 1981 और चांदनी 1989 में भी किया। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक युवक सुनील कोहनी, राजेश खन्ना, सुंदर सोनिया, शर्मिला टैगोर के प्यार में पड़ जाता है। जल्द ही वे शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में खराब मौसम के कारण वे सुनील के मालिक के स्वामित्व वाले बंगले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। बॉस का बेटा धीरज कपूर सोनिया के अकेले होने पर बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन सुनील समय पर पहुंच जाता और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप धीरज की मौत हो जाती है। सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, लेकिन जेल के रास्ते में उसे ले जा रही पुलिस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। सभी रहने वाले मारे जाते हैं। सालों बाद सोनिया की स्कूल शिक्षक के रूप में काम कर रही है
और सुनील और उसके बेटे की परवरिश कर रही है। उसे पता चला कि उसका पति अभी भी जीवित है। वह सुधीर के रूप में एक नई पहचान के साथ जी रहा है और उसकी चांदनी शादी चांदनी नाम की एक अमीर लड़की से हुई है। पुलिस वैन के भागने के बाद सुनील चांदनी से मिला, जिसके प्रेमी ने उसे गर्भवती होने की खबर पर छोड़ दिया था। सुनील ने अपनी नई पहचान स्थापित करने में उसकी मदद के बदले में उसके बच्चे को वैधता प्रदान करने के लिए उससे शादी की। अब इतने सालों के बाद एक बार फिर कानून उनके दरवाजे पर है। हालांकि इस बार उनके नाम के साथ एक अतिरिक्त अपराध है, द्विविवाह। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। राजेश खन्ना, जिन्होंने सुनील कोहली और सुधीर का किरदार निभाया है, शर्मिला टैगोर, सोनिया कोहली, राखी चांदनी, प्रेम चोपड़ा, धीरज कपूर, बेबी पिंकी पिंकी के रूप में, राजू श्रेष्ठ मास्टर जी, जिन्होंने रिंकू का किरदार निभाया है, मनमोहन कृष्ण दीवान चांदनी के पिता के रूप में, मदनपुरी केशी खन्ना, आंचला ससे श्रीमती मालती खन्ना, इफ्तिखार इंस्पेक्टर सिंह, हरी शिव दसानी जगदीश कपूर के किरदार में, यशोधरा काटजू स्कूल प्रिंसिपल के किरदार में, कादर खान अभियोजन पक्ष के वकील के किरदार में, एके हैंगल अभियोजन पक्ष के वकील और न्यायाधीश के रूप में, एस एन बनर्जी जज के रूप में, करण दीवान डॉक्टर कपूर जो चांदनी के पिता का इलाज करते हैं, सुरेंद्र सुनील के चाचा के रूप में, जगदीश राज राम सिंह ड्राइवर के रूप में, मनमोहन वैन में कैदी सुनील के साथ लड़ाई करने के रूप में, पद्मा खन्ना नृत्य की, अरुणा नृत्य की और हबीब लोहार सुनील की हथकड़ी हटा रहा है, साउल जोज जूनियर कलाकार के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की टीम के विषय में। इस फिल्म में डायरेक्टर हैं यश चोपड़ा और यह कहानी गुलशन नंद की है। इस फिल्म में संवाद किया है अख्तर उलीमान ने और इसके निर्माता हैं यश चोपड़ा। इस फिल्म में संपादक किया है प्राण मेहरा ने और इसका कला निर्देशक आर जी गायकवाड़ी ने किया है। इस फिल्म में छायाकार के गीस ने किया है और स्टंट रवि खन्ना एमबी सेट्टी के हैं। इस फिल्म की कोरियोग्राफी सुरेश भट्ट ने की है और इस फिल्म के गीत का साहिल लुधियानाविक है। इस फिल्म का संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया है और इसके पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, राजेश खन्ना हैं। इस चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। साउंड ट्रैक के निम्नलिखित ट्रैक शामिल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित और शाहिल लुधियानवी के गीतों के साथ हैं। बिना काकी गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में अब चाहे माँ रूठे या बाबा गीत को 7 पर सूचीबद्ध किया गया था। गीत मेरे दिल में आज क्या है को बिना का गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में 20वीं पर सूचीबद्ध किया गया था। दाग प्यार की एक कविता साउंडट्रैक एल्बम द्वारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिसको मुक्त किया है 1973 में भारत में, जिसकी सैली फिल्म साउंडट्रैक है और लेबल सारे गामा पा है। निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक गायक और अवधि के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मेरे दिल में आज क्या है, जिसके गायक हैं किशोर कुमार और जिसकी अवधि 4:19 है। इस फिल्म का दूसरा गीत है अब चाहे मां रूठे या बाबा, जिसको गाया है किशोर कुमार, लता मंगेशकरी ने और जिसकी अवधि 5:36 है। इस फिल्म का तीसरा गीत है हम और तुम और हम, किशोर कुमार द्वारा गाया गया और लता मंगेशकरी द्वारा गाया गया गीत है, जिसकी अवधि 4:07 है। इस फिल्म का चौथा गीत है जब भी जी चाहे, जिसको गाया है लता मंगेशकरी ने और जिसकी अवधि 4:19 है। इस फिल्म का पांचवा गीत है मैं तो कुछ भी नहीं, जिसको राजेश खन्ना ने गाया है और जिसकी अवधि 2:28 है। इस फिल्म का छठा गीत है नी मैं यार मनाना नी, जिसके गायक हैं लता मंगेशकर, मीनू पुरुषोत्तम, जिसकी अवधि 4:48 है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है हवा चले कैसे, जिसको लता मंगेशकरी द्वारा गाया गया है और इस गीत की अवधि 5:46 है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कार व नामांकन के विषय में। इस फिल्म को 21वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यश चोपड़ा और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी हैं।
इस फिल्म को मनोनीत किया सर्वश्रेष्ठ फिल्म यश चोपड़ा ने और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजेश खन्ना ने। इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। दाग हिंदी बॉलीवुड फिल्म के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। दाग 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन यश चोपड़ा ने एक निर्माता के रूप में किया है जिसने यश राज फिल्म की नींव रखी है। यह 1886 की थॉमस हार्डी उपन्यास द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का रूपांतरण है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है यश चोपड़ा। यह फिल्म गुलशन नंदा और अख्तर उल ईमान द्वारा लिखित है। यह फिल्म थॉमस हार्डी द्वारा कैस्टरब्रिज के मेयर पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता यश चोपड़ा हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी ने। इस फिल्म का छायांकन केजी ने किया है। यह फिल्म प्राण मेहरा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म यशराज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 27 अप्रैल 1973 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 140 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 6.5 करोड़ रहा है। फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, मदनपुरी, कादर खान, यश चोपड़ा और ए के हेंगल जैसे सितारे हैं। यह फिल्म राजेश खन्ना की दीवानगी के चरम पर बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और तीनों लीडों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत वर्ष के चार्ट पर हावी रहा। फिल्म को बाद में तेलुगु फिल्म विचित्र जीवितम में बनाया गया था। यह फिल्म कादर खान की बतौर अभिनेता पहली फिल्म थी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म में राखी के चरित्र नाम चांदनी का इस्तेमाल अपनी बाद की फिल्मों सिलसिला 1981 और चांदनी 1989 में भी किया। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक युवक सुनील कोहनी, राजेश खन्ना, सुंदर सोनिया, शर्मिला टैगोर के प्यार में पड़ जाता है। जल्द ही वे शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में खराब मौसम के कारण वे सुनील के मालिक के स्वामित्व वाले बंगले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। बॉस का बेटा धीरज कपूर सोनिया के अकेले होने पर बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन सुनील समय पर पहुंच जाता और लड़ाई शुरू हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप धीरज की मौत हो जाती है। सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, लेकिन जेल के रास्ते में उसे ले जा रही पुलिस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। सभी रहने वाले मारे जाते हैं। सालों बाद सोनिया की स्कूल शिक्षक के रूप में काम कर रही है और सुनील और उसके बेटे की परवरिश कर रही है। उसे पता चला कि उसका पति अभी भी जीवित है। वह सुधीर के रूप में एक नई पहचान के साथ जी रहा है और उसकी शादी चांदनी नाम की एक अमीर लड़की से हुई है। पुलिस वैन के भागने के बाद सुनील चांदनी से मिला, जिसके प्रेमी ने उसे गर्भवती होने की खबर पर छोड़ दिया था। सुनील ने अपनी नई पहचान स्थापित करने में उसकी मदद के बदले में उसके बच्चे को वैधता प्रदान करने के लिए उससे शादी की। अब इतने सालों के बाद एक बार फिर कानून उनके दरवाजे पर है। हालांकि इस बार उनके नाम के साथ एक अतिरिक्त अपराध है, द्विविवाह। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। राजेश खन्ना, जिन्होंने सुनील कोहली और सुधीर का किरदार निभाया है। शर्मिला टैगोर, सोनिया कोहली, राखी, चांदनी, प्रेम चोपड़ा, धीरज कपूर, बेबी पिंकी पिंकी के रूप में, राजू श्रेष्ठ मास्टर जी, जिन्होंने रिंकू का किरदार निभाया है, मनमोहन कृष्ण दीवान चांदनी के पिता के रूप में, मदनपुरी केशी खन्ना, आंचला ससे श्रीमती मालती खन्ना, इफ्तिखार इंस्पेक्टर सिंह, हरी शिव दसानी जगदीश कपूर के किरदार में, यशोधरा काटजू स्कूल प्रिंसिपल के किरदार में, कादर खान अभियोजन पक्ष के वकील के किरदार में, ए के हेंगल अभियोजन पक्ष के वकील और न्यायाधीश के रूप में, एस एन बैनर्जी जज के रूप में, करण दीवान डॉक्टर कपूर जो चांदनी के पिता का
इलाज करते हैं। सुरेंद्र सुनील के चाचा के रूप में, जगदीश राज राम सिंह ड्राइवर के रूप में, मनमोहन वैन में कैदी सुनील के साथ लड़ाई करने के रूप में, पद्मा खन्ना नृत्यकी, अरुणा नृत्यकी और हबीब लोहार सुनील की हथकड़ी हटा रहा है। साउल जोसेफ जूनियर कलाकार के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की टीम के विषय में। इस फिल्म में डायरेक्टर हैं यश चोपड़ा और यह कहानी गुलशन नंद की है। इस फिल्म में संवाद किया है अख्तर उलीमान ने और इसके निर्माता हैं यश चोपड़ा। इस फिल्म में संपादक किया है प्राण मेहरा ने और इसका कला निर्देशक आर जी गायकवाड़ी ने किया है। इस फिल्म में छायाकार के गीस ने किया है और स्टंट रवि खन्ना एम बी सेट्टी के हैं। इस फिल्म की कोरियोग्राफी सुरेश भट्ट ने की है और इस फिल्म के गीत का साहिल लुधियानाविक है। इस फिल्म का संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत कहलाल ने किया है और इसके पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, राजेश खन्ना हैं। इस फिल्म, चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। साउंड ट्रैक के निम्नलिखित ट्रैक शामिल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित और शाहिल लुधियानवी के गीतों के साथ हैं। बिना काकी गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में अब चाहे माँ रूठे या बाबा गीत को 7 पर सूचीबद्ध किया गया था। गीत मेरे दिल में आज क्या है को बिना का गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में 20वीं पर सूचीबद्ध किया गया था। दाग प्यार की एक कविता साउंडट्रैक एल्बम द्वारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जिसको मुक्त किया है 1973 में भारत में, जिसकी सैली फिल्म साउंडट्रैक है और लेबल सारे गामा पा है। निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक गायक और अवधि के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मेरे दिल में आज क्या है जिसके गायक हैं किशोर कुमार और जिसकी अवधि 4 मिनट 19 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है अब चाहे मार उठे या बाबा जिसको गाया है किशोर कुमार, लता मंगेशकरी ने और जिसकी अवधि 5 मिनट 36 सेकंड है। इस फिल्म का तीसरा गीत है हम और तुम और हम किशोर कुमार द्वारा गाया गया और लता मंगेशकरी द्वारा गाया गया गीत है जिसकी अवधि 4 मिनट 7 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है जब भी जी चाहे जिसको गाया है लता मंगेशकरी ने और जिसकी अवधि 4 मिनट 19 सेकंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है मैं तो कुछ भी नहीं जिसको राजेश खन्ना ने गाया है और जिसकी अवधि 2 मिनट 28 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है नी मैं यार मनाना नी जिसके गायक हैं लता मंगेशकर, मीनू पुरुषोत्तम जिसकी अवधि 4 मिनट 48 सेकंड है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है हवा चले कैसे जिसको लता मंगेशकरी द्वारा गाया गया है और इस गीत की अवधि 5 मिनट 46 सेकंड है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कार व नामांकन के विषय में। इस फिल्म को 21वां फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यश चोपड़ा और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी हैं। इस फिल्म को मनोनीत किया सर्वश्रेष्ठ फिल्म यश चोपड़ा ने और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजेश खन्ना ने। इस फिल्म